हेलो दोस्तों, मेरा नाम विजय। दोस्तों, ये मेरे पास में वन प्लस का 9 प्रो जो किया था स्नैपड्रैगन के लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर के साथ में, और ये मेरे पास में आईफोन 11 जो किया था एप्पल के A13 बायोनिक चिप के साथ में, जो कि एप्पल की लास्ट जनरेशन की चिपसेट है। तो आज मैं आपके शेयर करने वाला हूँ दोनों ही फोन के बीच में स्पीड टेस्ट कंपैरिजन, और देखेंगे नेटवर्क स्पीड टेस्ट भी इस वीडियो में, बिकॉज आईफोन 11 एक 4G फोन है और वन प्लस 9 प्रो एक 5G फोन है। तो देखते हैं कि रियल लाइफ में यहाँ पे कैसा डिफरेंस निकल के आता है, और यहाँ पे हम इस वीडियो में गीकबेंच स्कोर्स भी देखने वाले दोनों ही फोन के कि ऑन पेपर ये क्या स्कोर्स प्रोड्यूस कर देते हैं। सो हैविंग सेड दैट, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, लेफ्ट साइड में हमारे पास में वन प्लस 9 प्रो और राइट साइड में हमारे पास में है आईफोन 11। तो दोनों को ही साथ में पहले बूट कर लेते हैं और देखते हैं कि कौन सा जल्दी बूट होता है। एट द सेम टाइम आप यहां पे स्क्रीन के ऊपर स्पेक्स देख सकते हैं दोनों ही फोन्स के और कंपेयर कर सकते हैं। तो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आईफोन 11 ज़्यादा जल्दी बूट हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि आईफोन 11 सच में फास्ट है, यहाँ पे कोई भी फ़ोन हो सकता है जो कि हम आगे इस रिव्यू में देखने ही वाले हैं। तो गाइस, यहाँ पे मैंने दोनों ही फोन्स में इंस्टॉल करके रखी है सारी ही एप्लीकेशन जिसको हम आज टेस्ट करने वाले। सबसे पहले यहाँ पे सिस्टम एप्लीकेशन से स्टार्ट करेंगे जिसको आप डे टू डे लाइफ में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। फोन्स को मैं यहाँ पे रख देता हूँ। तो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों ही फोन्स में कोई भी रिसेंट एप्लीकेशन नहीं है, सब कुछ रैम से बाहर है। और यहाँ पे मैं दोनों ही फोन्स में सारी एप्लीकेशंस को एक साथ यहाँ पे लॉन्च करूंगा, तो 1, 2 एंड 3 यहाँ पे मुझे लगता है गाइस कि दोनों ही फोन्स ने साथ में ही ओपन करा फोन डायलर ऐप को। मैसेजेस यहाँ पे थोड़ा सा आईफोन ने जल्दी करा था। क्रोम, यहाँ पे क्रोम में सर्च भी करके देखेंगे हम लोग कुछ और देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा ज़्यादा जल्दी लोड कर लेता है वेबसाइट को। तो क्रोम यहाँ पे मेरे को अगेन आईफोन लगा कि जल्दी ओपन करा क्रोम ने आईफोन। और यहाँ पे हम लोग GSM अरीना एक वेबसाइट है टेक न्यूज़ की, वहाँ पे उसको सर्च कर लेते हैं और देखते हैं कि कौन सा ज़्यादा जल्दी ओपन कर रहा है। तो GSM अरीना यहाँ पे खोलेंगे। तो गाइस, एक साथ यहाँ पे मैं क्लिक करने जा रहा हूँ और देखता है कि कौन सा ज़्यादा जल्दी ओपन करता है। तो गाइस, यहाँ पे वन प्लस 9 प्रो ने ज़्यादा जल्दी GSM अरीना को लॉन्च कर दिया, बिकॉज 5G फ़ोन है तो नेटवर्क यहाँ पे डेफिनेटली लीड लेता हुआ मिलेगा हमें। और यहाँ पे कैमरा ओपन करके देखते हैं। कैमरा गाइज यहाँ पे आईफोन 11 ने ज़्यादा जल्दी लॉन्च कर दिया मैं कहूँगा। कैमरा गाइज एक बार रैम से उड़ा के फिर से एक बार ओपन करके देखते हैं कि कौन सा ज़्यादा जल्दी ओपन कर रहा है। यहाँ पे फिर से गाइज आईफोन 11 ने कैमरा एप्लीकेशन को बहुत ज़्यादा जल्दी लॉन्च कर दिया। और कुछ सिस्टम एप्लीकेशन देखते हैं, तो यहाँ पे कैलकुलेटर है। कैलकुलेटर गाइज दोनों ही फोन्स ने एक साथ यहाँ पे लॉन्च करे हैं। उसके बाद यहाँ पे क्लॉक है, क्लॉक भी गाइज दोनों ही फोन्स ने एक साथ यहाँ पे लॉन्च करा है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने रैम से अभी तक कुछ भी गायब नहीं करा है दोनों ही फोन्स में। तो बाद में यहाँ पे देखते हैं कि रैम में कौन से फ़ोन ने क्या इंस्टॉल स्टोर करके रखा हुआ है अभी तक। सेटिंग्स आईफोन 11 ने थोड़ा सा जल्दी लॉन्च करा। Amazon, अब गाइज यहां पे OnePlus 9 Pro ने ज्यादा जल्दी लॉन्च करा। और यहां पे मैं फिर से बोलना चाहूंगा कि OnePlus 9 Pro की जो नेटवर्क स्पीड है ना वो बेटर होगी, बिकॉज 5G के साथ में आता है तो ज्यादा जल्दी लोड कर लेगा जहां पे भी आपको डेटा की इंटरनेट की जरूरत है। प्राइम वीडियो यहां पे दोनों ही फोन ने साथ में लॉन्च करा। स्नैपसीड आईफोन 11 ने पहले लॉन्च करा। पिक्सार्ट गाइज वन प्लस 9 प्रो ने यहाँ पे जल्दी थोड़ा सा लॉन्च कर दिया। उसके बाद यहाँ पे हम लोग जाते हैं ऐप स्टोर और प्ले स्टोर। यहाँ पे प्ले स्टोर एंड्रॉयड यूज़ करता है जबकि एप्पल ऐप स्टोर यूज़ करता है। तो प्ले स्टोर गाइज यहाँ पे वन प्लस ने बहुत जल्दी लॉन्च कर दिया, मतलब क्लिक करने की देरी थी और प्ले स्टोर लॉन्च हो गया। अगेन यहाँ पे नेटवर्क अपनी लीड देता हुआ नज़र आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे कुछ गेम्स गाइज मैंने डाउनलोड करके रखे हैं, तो यहाँ पे 3 गेम्स हैं उसको टेस्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नेटवर्क स्पीड टेस्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे गीकबेंच के स्कोर्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा इन्हीं दोनों फोन्स के। तो यहाँ पे सबसे पहले टेम्पल रन 2 देख लेते हैं। तो गाइस टेम्पल रन 2 यहाँ पे वन प्लस 9 प्रो ने ज़्यादा जल्दी लॉन्च कर दिया। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास और भी गेम्स है, देखते हैं कि कैसा यहाँ पे आईफोन परफॉर्म करता है। सबवे सर्फ यहाँ पे भी गाइस थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी लॉन्च कर दिया वन प्लस 9 प्रो ने। गाइस गीकबेंच स्कोर्स ना दोनों ही फोन्स के देखने में बहुत ज़्यादा मजा आएगा कि कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, बिकॉज गेम्स यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि वन प्लस 9 प्रो ज़्यादा जल्दी लॉन्च कर रहा है। एंग्री बर्ड्स 2
यहाँ पे भी गाइज आप देख सकते हैं, अभी तक तो वन प्लस नाइन प्रो ही आगे चल रहा है, और जी हाँ, वन प्लस नाइन प्रो ने एंग्री बर्ड्स 2 को ज़्यादा जल्दी लॉन्च कर तो दिया। गाइज तो ये वाला ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज वन प्लस नाइन प्रो 5G के साथ में आता है, तो यहाँ पे हमें एक्चुअल स्कोर्स मालूम पड़ेंगे कि कैसा मेरे नेटवर्क में दोनों ही फोन्स परफॉर्म कर रहे हैं। साथ में ही लॉन्च करूंगा, आईफोन 11 ने यहाँ पे एप्लीकेशन को जल्दी लॉन्च कर दिया है, एंड देखते हैं कि कैसा यहाँ पे नेटवर्क स्पीड टेस्ट निकल के आता है दोनों ही फोन्स का। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वन प्लस नाइन प्रो ने स्पीड टेस्ट को जल्दी खत्म करा, जबकि आईफोन 11 ने थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगाया। लेकिन यहाँ पे जो स्पीड्स निकल के आई है वो थोड़ी सी यहाँ पे कंफ्यूज कर देने वाली है, बिकॉज दोनों ही फोन सेम नेटवर्क से कनेक्टेड है, और 5G आता है वन प्लस नाइन प्रो में, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे 6.85 की डाउनलोड स्पीड मिल रही है, जबकि आईफोन 11 ने 11.4 की डाउनलोड स्पीड निकाल कर दिया है, और यहाँ पे अपलोड स्पीड आ रही है 2.36 ऑन द वन प्लस नाइन प्रो और 1.77 ऑन द आईफोन 11। स्टिल यहाँ पे मैंने एप्लीकेशन जो भी इंस्टॉल करी है वन प्लस नाइन प्रो ने ज़्यादा जल्दी इंस्टॉल करी थी। आई एम नॉट श्योर कि ये रिजल्ट स्काई को दिए हैं ओकला एप्लीकेशन ने। तो यहाँ पे लास्टली गाइज गीक बेंच स्कोर देख लेते हैं इन दोनों तो फोन्स गाइज के। गीक बेंच 5 के आप यहाँ पे स्कोर देख सकते हैं। वन प्लस नाइन प्रो यहाँ पे ज़्यादा नए प्रोसेसर के साथ में आता है, उसके बाद भी यहाँ पे देख सकते हैं आपकी सिंगल कोर में आईफोन 11 ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, और यहाँ पे जो मल्टी कोर स्कोर्स हैं वो वन प्लस के थोड़े से ही ज़्यादा है, तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। 2 साल पुराना प्रोसेसर है गाइज ऑलमोस्ट, और यहाँ पे लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 888, तो कुछ इस तरह से यहाँ पे स्कोर्स निकल के आ रहे हैं। यहाँ पे हम लास्टली रैम ऑप्टिमाइजेशन चेक कर लेते हैं दोनों ही फोन्स में, जितनी भी अभी तक एप्लीकेशंस डाउनलोड कर हमने ओपन करी थी। यहाँ पे हम लोग स्पीड टेस्ट बाय ओखला एप्लीकेशन खोल के देखते हैं, तो दोनों ही में स्टोर्ड था। यहाँ पे हम लोग एंग्री बर्ड्स 2 खोल के देखते हैं, दोनों ही में स्टोर्ड था। गाइस आपको एक बात बता दूं कि आईफोन की जो रैम है यहाँ पे वो कम है बहुत ज़्यादा वन प्लस नाइन प्रो के कंपैरिजन में। यहाँ पे 8 GB वाला वेरिएंट है मेरे पास वन प्लस नाइन प्रो का, आईफोन में 11 में 4 GB की हमें रैम देखने के लिए मिल जाती थी। तो यहाँ पे सबवे सर्व देख लेते हैं। सबवे सर्व गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वन प्लस नाइन प्रो ने रीलोड कराए, मतलब एप्लीकेशन से हटा चुका था अभी तक टू सेव बैटरी, लेकिन आईफोन में यहाँ पे अभी तक था सबवे सर्व रैम के अंदर, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है और सरप्राइजिंग यहाँ पे रिजल्ट निकल के आ रहा है मैं कहूँगा। उसके बाद गाइज यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं टेम्पल रन 2, आई होप कि वन प्लस नाइन प्रो में हो ये। तो टेम्पल रन 2 भी वन प्लस नाइन प्रो दोबारा से ही लॉन्च कर रहा है, जबकि आईफोन 11 जो कि कम रैम के साथ में आता है, ऑलमोस्ट हाफ रैम के साथ में आता है, अभी तक उसने रखा हुआ है रैम के अंदर स्टोर्ड। उसके बाद गाइज यहाँ पे हम लोग गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर खोल के देख लेते हैं, ये दोनों ही एप्लीकेशंस ने रखा हुआ है, दोनों ही फोन ने रखा हुआ है। उसके बाद गाइज यहाँ पे हम लोग पिक्सआर्ट देख लेते हैं, यहाँ पर भी गाइज दोबारा से लोड हो रहा है वन प्लस नाइन प्रो में, बहुत ज़्यादा दुख महसूस हो रहा है ये देख के गाइज कि इतनी ज़्यादा रैम होने के बावजूद भी रैम से क्लियर कर दे रहा है ये एप्लीकेशंस को। उसके बाद गाइज यहाँ पे हम लोग स्नैपसीड खोल के देख लेते हैं दोनों ही फोन्स में, यहाँ पे कुछ मालूम ही नहीं चला। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं अमेजॉन प्राइम वीडियो खोल के दोनों ही फोन्स में, तो गाइज यहाँ पे भी आईफोन ने स्टोर करके रखा था और वन प्लस नाइन प्रो ने दोबारा से लॉन्च करा। अमेजॉन गाइज लास्ट एप्लीकेशन खोल के देख लेते हैं अमेजॉन शॉपिंग की कैसा चल रहा है यहाँ पे। यहाँ पे भी गाइज वन प्लस नाइन प्रो दोबारा से लोड कर रहा है, और रैम ऑप्टिमाइजेशन डेफिनेटली आईफोन 11 का ज़्यादा बेटर निकल के आया, और वन प्लस नाइन प्रो ने बैटरी को सेव करने के लिए यहाँ पे एप्लीकेशंस को रिमूव कर दिया बैकग्राउंड से, जिससे कि आपको दोबारा लोड करनी पड़ सकती है एप्लीकेशंस। तो गाइज ये था स्पीड टेस्ट बिटवीन आईफोन 11 एंड वन प्लस नाइन प्रो। तो गाइज ये था स्पीड टेस्ट कंपैरिजन बिटवीन द आईफोन 11 एंड वन प्लस नाइन प्रो। अब गाइज आईफोन 11 2019 में लॉन्च हुआ था विद द A13 चिपसेट, यहाँ पे वन प्लस नाइन प्रो जस्ट अभी लॉन्च हुआ है
विद स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर। मुझे लगता है कि यहाँ पे आईफोन 11 ने जिस तरह परफॉर्म करा इस वीडियो में वो बहुत ज्यादा अच्छा है। यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन डेफिनेटली एप्पल ने बहुत ज्यादा अच्छा करा है विद सॉफ्टवेयर एंड द हार्डवेयर। वन प्लस 9 प्रो ने भी यहाँ पे डिसेंट स्कोर करा है मल्टी कोर में। ऑफकोर्स वन प्लस 9 प्रो ज्यादा अच्छा निकल के आया गीकबेंच में आईफोन 11 से कंपेयर करें अगर, तो नेटवर्क स्पीड डेफिनेटली वन प्लस 9 प्रो की ज्यादा अच्छी है। मेरी टेस्टिंग में जब मैं गेम्स डाउनलोड करा था तो ऑलमोस्ट डबल फास्ट यहाँ पे डाउनलोड हो जाए थे। आई डोंट नो व्हाई ओकला ने यहाँ पे हमें डिफरेंट रिजल्ट प्रोड्यूस करके दिए, लेकिन स्टिल मैं कहूंगा कि आईफोन 11 यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड है इवन इन 2021। तो अगर आप दोनों ही फोन्स में परफॉर्मेंस के लिए कोई एक चूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे नो डाउट आईफोन 11 भी बहुत अच्छा है, वन प्लस 9 प्रो भी बहुत अच्छा है। ओवरऑल मैं कहूंगा कि यहाँ पे टाई है दोनों ही फोन्स के बीच में इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। गाइस दोनों ही फोन्स का डिटेल फुल कंपैरिजन मैं अपने चैनल पे कल या परसों लॉन्च कर दूंगा, तो उसके लिए आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। डन, मैं आपसे मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में।